हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखे। धन्यवाद। दाऊदी बोहरा समुदाय 30 दिन के रोजे के बाद आज ईद उल फितर का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इस अवसर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी राजकुमार रोत ने सागवाड़ा के बोहरावाड़ी पहुंचकर बोहरा समुदाय को ईद उल फितर की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो मौजूद है उन साथियों और सर को और सारे पूरे देश की बोहरा कम्युनिटी को आज मेरी ओर से ईद की शुभकामना देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे ही इस देश के अंदर आने वाले समय में भी एक सुकून से शांति से इस त्यौहार को मनाया जाए और इस सुकून और शांति से आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में और पूरे देश में जो शांति से हर कम्युनिटी हर वर्ग का एक त्यौहार होता है, आज बोहरा कम्युनिटी का मुस्लिम कम्युनिटी का जो ईद का जो त्यौहार है, तो आने वाले समय में भी हम लोग पूरे देश के अंदर, हमें बांसवाड़ा अकेले की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे क्षेत्र की बात करूँगा कि हमारी पार्टी मेरी विचारधारा इन वर्ग के साथ रहेगी और मुझे उम्मीद है कि बोहरा समुदाय का पूरा साथ सहयोग हमारे साथ रहेगा। मैं मेरी ओर से जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी काम के लिए किसी भी संकट में मेरी क्षमता के अनुसार मैं आके खड़ा रहूंगा और मदद करूंगा। मैं सभी साथियों को मैं इसकी शुभकामना देना चाहूंगा। लोग कुछ भी कहे लेकिन जिस तरह से देश में और क्षेत्र में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से तानाशाही जो चल रही है वो प्रत्येक वर्ग के लिए हमारे देश के लिए घातक है और उन सिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा जो हौसला है उस हौसले पे हमें पूरा भरोसा है कि हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे और ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। इसमें बोहरा समुदाय मुस्लिम समुदाय का साथ सहयोग रहेगा पूर्ण मुझे विश्वास है और इनके हर बात में हर काम में हमारा भी पूरा साथ सहयोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय जवाहर, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर। आज हमारे बोहरा समाज में ईद का त्यौहार है तो हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार दिवस को लेकर हम ईद की बधाई देने यहाँ बोहरावाड़ी में पहुँचे हैं। मैं इन सबको आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 26 तारीख को चुनाव है। चुनाव के मद्देनज़र मैं बोहरा समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जितने भी बोहरा समाज के लोग हैं वो भारत आदिवासी पार्टी में बाप को विजय बनाकर उनको दिल्ली भेजना है और हमारे जो हक अधिकार की बातें हैं जो हमारे मुसलमानों पर जो हमारे आए दिन जो हम पे अटक हो रहे हैं वो हमारी आवाज़ बन के दिल्ली में राजकुमार जी गुजरेंगे। इन्हीं बात पर मेरी बात को यही विराम देता हूँ। सबको जय जोहर। सलाम अलैकुम। मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस पावन अवसर पर। राजकुमार जी रोहत हमारे अंजुमन सफी जमात के ऑफिस में आकर हमारा अमित साहब उनके सारे मेम्बरों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी विजय के लिए उनसे दुआ लेने आए हैं और उनका आशीर्वाद देना। ईद का मौका है, आप सबको मुबारक हो। इस मौके पर राजकुमार जी हमारे बीच आए, हमें बहुत खुशी हुई कि बोहरा समुदाय को भी वो और समाज के साथ उनको भी साथ लेके चल रहे हैं और ये उम्मीद है कि राजकुमार जी को मुस्लिम समाज और बोहरा समाज का अच्छा साथ मिलेगा इस बार। मतलब राजकुमार जी जिस तरह से पहले चले थे आज तो उनके साथ कारवा है, उस कारवा में हम भी जुड़ जाएंगे और राजकुमार जी जरूर दिल्ली तक पहुंचेंगे ये उम्मीद है। रमजान का महीना खत्म हुआ, ईद का दिन है, ईद के दिन यही दुआ करते हैं कि राजकुमार जी को कामयाबी हासिल हो और बोहरा समुदाय के सारे लोग भी उनके साथ, युवा भी है। वो कहते हैं कि 100 बकरियों के चिल्लाने से एक शेर की चाल नहीं बदलती मगर एक शेर के गुर्राने से तो सारा जंगल बिखर जाता है।